हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि ये वाला प्लांट आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगा और ये जो क्वेरी है हमारे एक व्यूअर की ही है, तो इसीलिए इस टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। ये हमारा मनी प्लांट है, जिसमें दो तीन तरह के मनी प्लांट एक ही जगह लगे हुए हैं और इनकी रूट्स आप देख सकते हैं पूरी दीवार पर कुछ इस तरह से फैली हुई हैं, लेकिन इनको ढकने का जो काम कर रही है वो है एक बेल, जिसको छिपकली बेल भी कहते हैं, जिसके ये छोटे छोटे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फाइकस पोमेला कहलाती है, तो इसको भी कटिंग से इजीली ग्रो किया जा सकता है और इसको आप वॉल को कवर करने के लिए भी ग्रो कर सकते हैं। जो रफ सरफेस होता है, यानी कि जो थोड़ी खुरदरी जगह होती है, दीवार होती है, उस पे ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है और आप देख सकते हैं कि ये पूरा ऊपर तक फैल चुकी है। तो इस पर हम किसी और दिन आपसे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा मनी प्लांट और मॉन्स्टेरा प्लांट। तो मॉन्स्टेरा के बारे में ही स्पेशली आपसे बात करनी है। जितनी भी वैरायटी ऐसी होती हैं जिनकी पत्तियों में कट होता है, जो मॉन्स्टेरा की डिफरेंट वैरायटी होती हैं इसमें, तो जो ये पत्तियों में कट होता है, इसके बारे में हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि हमारी पत्तियों में जो कट्स हैं ये बनना कम हो गए हैं, तो ऐसा क्यों है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मॉन्स्टेरा जैसी जो वैरायटी होती हैं उसमें यही इनकी खूबसूरती है, जो इनमें कट्स आते हैं। उसमें अलग अलग वैरायटी में अलग अलग होता है, जैसे किसी में कट्स होते हैं, किसी में होल्स होते हैं, और ये डिपेंड करता है प्लांट की वैरायटी पर, उसका प्लांट का क्या साइज़ है, पत्तियों का क्या साइज़ है, तो होल्स और कट उसी पर डिपेंड करते हैं। एक इसके लिए वर्ड यूज़ होता है परफोरेट लीव्स, या इसको फेनेस्ट्रेशन भी कहते हैं, यानी कि जो पत्तियों में ये कट्स होते हैं और होल्स होते हैं, तो इनको परफोरेशन या फेनेस्ट्रेशन कहा जाता है। और फेनेस्ट्रेशन में कमी क्यों होती है, जैसे कि ये पत्ती आप देख रहे हैं इसमें एक तरफ कट्स हैं और एक तरफ नहीं है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो या प्लांट नया हो, जैसे कि हमारी ये जो आप प्लांट की जो स्टेम ये देख रहे हैं, पूरा जो टहनी आ रही है ये अभी नई है, तो नीचे की जो पत्तियाँ हैं वो सभी अभी प्लेन थी, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा, इसको पोषण मिलता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा, पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे इसमें फेनेस्ट्रेशन अच्छा होता जाएगा, यानी कि जो होल्स होंगे, कट्स होंगे, वो हेल्दी होंगे। अब ये नई पत्ती आई है, थोड़ी मुड़ी हुई है, तो इसमें जो है, जो ये प्लांट का मेन मदर प्लांट है, वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुका है, ऊपर तक पहुंच गया है, और इसको ना तो कोई खास केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अभी ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये सारा दीवार से ले रहा है, नमी इसको दीवार से मिल रही है, और यही कारण होता है कि जो प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है उसमें फेनेस्ट्रेशन होता है, अच्छे होल्स होते हैं, अच्छे कट्स होते हैं, वो तभी होंगे जब उसको नमी अच्छी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे या ब्राइट लाइट अच्छी मिलेगी। जैसे ये नीचे की पत्तियाँ प्लेन है, क्योंकि ये प्लांट नया है, तो नए प्लांट में ये कॉमन है, हमने इसको कटिंग से ग्रो किया था, इसलिए ऐसा है। ऊपर की पत्तियाँ अब इसमें अच्छी होती चली जाएंगी, कट्स आते चले जाएंगे। और अगर आप इसको पॉट्स में ग्रो कर रहे हैं तो इसमें मॉस स्टिक गमले में ज़रूर लगाएं, क्योंकि मॉस स्टिक की वजह से ही उसमें फेनेस्ट्रेशन होगा, क्योंकि जड़ें जब मॉस स्टिक से चिपक कर चलेंगी तो वो वहीं से नमी और पोषण लेती रहेंगी। इसीलिए मनी प्लांट में जब भी पानी दें उसको ऊपर तक मॉस स्टिक तक हल्का हल्का वाटर स्प्रे ज़रूर करें। अब हमारे व्यूअर ने फोटो भेजा है, आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है, नीचे की तरफ बहुत अच्छा फेनेस्ट्रेशन है, लीव्स में कटिंग्स अच्छी हैं, लेकिन ऊपर आते आते वो कम हो गया, तो इसीलिए उन्होंने पूछा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मॉस स्टिक ऊपर जाकर ख़त्म हो गई और वहाँ से जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसको वहाँ पोषण नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो ये मनी प्लांट होता है या मॉन्स्टेरा होता है, हर लीफ नोड पर इसकी रूट्स होती हैं, तो वहीं से वो चिपक कर चलता है मॉस स्टिक से और पोषण लेता रहता है, और ऊपर आकर उसको नहीं मिली मॉस स्टिक, तो फिर वो वहां से उसमें पेनेस्ट्रेशन भी कम हो गया, पत्तियां भी छोटी हो जाती हैं। तो इसको आप मॉस स्टिक से थोड़ा सटाकर रखें, चिपकाकर रखें। दूसरी बात, आप थोड़ी बड़ी मॉस स्टिक का यूज कर सकते हैं, अगर खत्म हो रही है ऊपर जाकर मॉस स्टिक, तो उसमें और आप ऐड कर सकते हैं, या बड़ी वाली मॉस स्टिक चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि उसको पोषण मिल जाए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो इंडोर गार्डन बनाते हैं, या जो मनी प्लांट जैसे या मॉन्स्टेरा जैसे प्लांट लगाते हैं मॉस स्टिक यूज़ करके, तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अब देखिए, हमने इसमें गोल्डन मनी प्लांट भी लगाया था, तो गोल्डन मनी प्लांट को अगर ब्राइट लाइट ना मिले तो उसकी पत्तियां डार्क ग्रीन होने लगती हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। तो जो मनी प्लांट है या मॉन्स्टेरा है या गोल्डन मनी प्लांट पोथोस जो भी है, उसको ब्राइट लाइट बहुत पसंद है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट, यानी कि तेज़ सूरज की रोशनी नहीं मिले लेकिन इनडायरेक्ट लाइट मिले, तो वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। तो पत्तियों का रंग उड़ रहा है, या मेन जो उसका कलर है, जो ओरिजिनल कलर है, वो ख़राब हो रहा है, या फेनेस्ट्रेशन कम हो रहा है, ब्राइट लाइट चेक कीजिए, ब्राइट लाइट मिलनी बहुत ज़रूरी है। हल्की नमी इस प्लांट को बहुत पसंद है, कोई भी वैरायटी हो हल्की नमी ज़रूर होनी चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण ज़रूर दीजिए, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में दें, चाहे आप काउडंग या वर्मी कंपोस्ट में दें। फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछिएगा। थैंक यू।